गुड आफ्टरनून एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इंडेक्स नंबर. आप लोग हेडिंग देख रहे थे इंडेक्स नंबर. व्हाट इज इंडेक्स नंबर? पॉइंट नंबर वन, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज. इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. राइट डाउन, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज. इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100. आप देखोगे जब भी आप इंडेक्स नंबर का फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाई 100. इसका मतलब दिस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100. दिस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100. सेकेंड पॉइंट, इंडेक्स नंबर are one of the index number are one of the widely used index number are one of the widely used measure in terms of statistical devices इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवाइस. स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस में इंडेक्स नंबर बहुत ज्यादा यूज होता है. आउट ऑफ ओवरऑल दे आर यूज टू टेक द पल्स ऑफ इकोनॉमी. कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, कितना डिफ्लेशन है, कहां पर क्या हो रहा है. दे आर यूज टू टेक द पल्स ऑफ इकोनॉमी एंड they are emerging to be used as indicators. They are emerging to be used as indicators of inflationary or deflationary tendencies. They are emerging to be used as indicators of inflationary or deflationary tendency. Now, whenever we construct an index number, we face a lot of problem. कि सर कौन सा वाला formula use करे, कैसे use करे. So whenever you are construction of an index number, whenever you are doing, we face certain problems. जैसे कि इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव पोजीशन. इंडेक्स नंबर एक वैल्यू नहीं है, इंडेक्स नंबर एक मेजर है, रिलेटिव मेजर है. क्यों? हम लोग बेस ईयर का कंपैरिजन करते हैं, मतलब दो ईयर को लेते हैं या दो प्राइस को लेकर कंपेयर करते हैं. कभी आप खाली इसका प्राइस को लेकर कंपेयर नहीं करते, 2014-2019. और अगर खाली 2014 का प्राइस भी है तो इस कॉम्युनिटी को पिछले कॉम्युनिटी के हिसाब से, मतलब अपने खाली एक सिंगल कॉम्युनिटी नहीं है इंडेक्स नंबर. इट्स अ रिलेटिव मेजर, ग्रुप मेजर है ये, ठीक है. और दो साल का प्राइस को कंसिडरेशन में लिया जाता है, एक को बेस ईयर बोलते हैं और एक को अपने क्या बोलते हैं, करेंट ईयर, ठीक है. तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच वी फेस व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. तो थर्ड पॉइंट गिव द हेडिंग प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. सबसे पहला, ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर. ऑब्जेक्ट एंड पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर. अब सारा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला अलग अलग है, तो सारा अपना अपना जगह में क्या होगा, अपना अपना फील्ड में उसका रेलिवेंस होगा. तो हर सिचुएशन में आप एक फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते ना. वही बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, वी नीड टू फ्रेम इंडेक्स नंबर, ठीक है. नेक्स्ट, सेलेक्शन ऑफ आइटम्स. सेलेक्शन ऑफ आइटम्स. अब किस आइटम को सेलेक्ट करें, किस आइटम को सेलेक्ट करें. अगर आप नमक जैसा आइटम को सेलेक्ट करेंगे, आपको जीवन में नहीं लगेगा ये देश इन्फ्लेशन में है. अगर आप नमक जैसा आइटम को देखेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं लगेगा कि मेरा देश इन्फ्लेशन में है. क्यों? बहुत सस्ता आता था एक टाइम पर. हम तो अपने टाइम में देखे 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया पैकेट नमक. क्या आज आता है? नहीं. मान लो प्राइस 3 गुना हो गया या 4 गुना हो गया, तो क्या सबका प्राइस 4 गुना हो गया क्या? नहीं. इसीलिए व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कंपैरिजन बिटवीन समथिंग,
ठीक है, आपको आइटम सेलेक्ट थरोली करना पड़ेगा, पैसे वैसे कोई भी आपड़ा कड़ाबरा ये ले लो, आपड़ा कड़ाबरा ये ले लो, ये सब नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी वेरी थरो विद द आइटम्स यू आर सेलेक्टिंग, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन वुड बी ड्रॉन. थर्ड पॉइंट, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स. कलेक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स, प्राइस एकदम सही से सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके ऊपर इंडेक्स नंबर बेस्ड है. उसके बाद सेलेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा, इट शुड बी ऑथेंटिक रिलायबल. उसके बाद चॉइस ऑफ द बेस, वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस ऑफ द बेस. से फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा साल सेलेक्ट कर रहे हो, उस साल में क्या हुआ था, प्राइस एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया था, उसके बाद से स्टेडी है, तो क्या आपको इंडेक्स नंबर सही मिलेगा? नहीं, आपको इंडेक्स नंबर सही नहीं मिलेगा. तो वही बोल रहा है, जब आप बेस सेलेक्ट कर रहे हो, बहुत ध्यान से बेस सेलेक्ट करना पड़ता है आपको, बिकॉज उसके ऊपर आपका पूरा कंक्लूजन डिपेंड करता है. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अमूल बटर जो है, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, आपको शायद पता होना चाहिए, एक समय ऐसा आया था कि डेयरी फर्म बंद हो रहा है, सप्लाई नहीं दे रहा था, तो प्राइसेस वेर इंक्रीजिंग एंड वी वेर गेटिंग ऑल द अमूल प्रोडक्ट्स एट ब्लैक मार्केट प्राइसेस. लाइक 10 रुपये का सामान है तो 15 रुपये में मिल रहा था हम लोग को, क्योंकि उतना सप्लाई नहीं था, क्योंकि उतना सप्लाई नहीं था, वो लोग प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, वो लोग को डेयरी का सामान नहीं मिला तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे. ठीक है, तो इस टाइप का सिचुएशन में आप ऐसा बेस नहीं ले सकते. क्यों? कि उस समय प्राइस एबनॉर्मली राइज कर गया गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो वही बोल रहा है, जब भी आप बेस का चॉइस करेंगे, इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, वेरी शॉर्ट फ्रॉम द करेंट ईयर, मतलब बहुत ज्यादा पीछा नहीं होना चाहिए या बहुत ज्यादा वैसा नहीं होना चाहिए. आप एक पर्टिकुलर ईयर का ले लो, ठीक है, वैसे करके आपको लेना पड़ेगा. बेस तो अलग अलग होता है, चेन बेस मेथड होता है, फिक्स बेस मेथड होता है, एवरेज बेस मेथड होता है. तो आप कौन से तरीके से इंडेक्स नंबर निकालना चाहते हो, उससे फर्क पड़ता है. चेन बेस मेथड में क्या होगा सर, और फिक्स बेस मेथड में क्या होगा? फिक्स बेस में बेस सेम रहेगा, फिक्स बेस में बेस सेम रहेगा, खाली न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा. और चेन बेस में क्या होगा, बेस विल कीप ऑन चेंजिंग, इट विल फॉर्म लाइक चेन, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे करके वो होते रहेगा. नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ वेट्स. असाइनमेंट ऑफ वेट्स, किसको कितना वेट देना है, किस आइटम को कितना वेटेज देना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. असाइनमेंट ऑफ वेट्स, और लास्ट वाले में है सेलेक्शन ऑफ एवरेज और द मेथड ऑफ कंबाइनिंग द डेटा. सेलेक्शन ऑफ एवरेज और द मेथड ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डेटा, सेलेक्शन ऑफ एवरेज और द मेथड ऑफ कंबाइनिंग ऑफ डे कंबाइनिंग द डेटा, सेलेक्शन ऑफ एवरेज और द मेथड ऑफ कंबाइनिंग द डेटा. ठीक है, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? हाँ, लिखो इसके अंदर, लास्ट वाला पॉइंट के अंदर में लिखो. नॉर्मली नॉर्मली एएम इजी होता है, एएम इजी होता है, नॉर्मली एएम इजी होता है, ठीक है, बट जीएम इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. बट जीएम इज नोन एज द बेस्ट मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. ठीक है, चलिए बुक की तरफ में आइए. आपको टर्मिनोलॉजी देखने मिल रहा होगा, पी का मतलब लिख लीजिए प्राइस है, पी का मतलब प्राइस होता है, क्यू का मतलब क्वांटिटी, पी का मतलब प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी, और वी का मतलब होता है वैल्यू. ये तीन चीज लिख लीजिए, और वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, पी का मतलब क्या होता है प्राइस, क्यू का मतलब क्वांटिटी, वी का मतलब वैल्यू, और वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है सर, ये वन और जीरो क्या है? वन की जगह हम लोग एन भी यूज कर सकते हैं, अगर आप और कोई बुक भी रेफर कर रहे हो, आप देखोगे वहां पर एन लिखा हुआ है. एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब क्या हो गया,
नंबर ऑफ, नहीं, एन का मतलब यहां हो गया करेंट ईयर, तो लिखो वन रिप्रेजेंट करेंट ईयर एंड, वन रिप्रेजेंट करेंट ईयर एंड जीरो रिप्रेजेंट बेस ईयर, वन रिप्रेजेंट करेंट ईयर एंड जीरो रिप्रेजेंस, एंड जीरो रिप्रेजेंट्स, जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस ईयर. करेंट ईयर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई स्मॉल एन, करेंट ईयर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई स्मॉल एन, करेंट ईयर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई स्मॉल एन, करेंट ईयर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई स्मॉल एन. ठीक है, क्लियर है ये चीज. अच्छा, P01 का मतलब क्या होता है, देखो लिखेंगे 01 लेकिन मतलब होता है उल्टा, करेंट ईयर ऑन बेस ईयर है 01 ना, 01 का मतलब होता है 1 on 0, 1 मतलब क्या करेंट ईयर और 0 का मतलब क्या बेस ईयर. तो P01 का मतलब क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करेंट ईयर और बेस ईयर. तो हम लोग जो भी अभी सीखेंगे ना, सिर्फ अभी अभी आज का क्लास का फोकस किस में रहेगा, P01 पे रहेगा. क्यों, जिस बच्चा को P01 आता है ना, वो बच्चा खाली फॉर्मूला का हेरा फेरी करेगा, उसको Q01 भी आ जाएगा. सर व्हाट इज Q01, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो दिमाग लगाओ, जब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्राइस, और वेट किसको मानेंगे, क्वांटिटी को. और जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्वांटिटी, और वेट किसको मानेंगे, प्राइस को. तो जैसे मैं P01 सिखा रहा हूं ना, वैसे ही आपका Q01 भी आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हो. बस जहां जहां प्राइस है वहां पर क्वांटिटी पुट कर देना था, और जहां जहां क्वांटिटी था वहां वहां प्राइस पुट कर देना था. ठीक है, तो P01 में लिख लो ये चीज, बेस एलिमेंट इज द प्राइस एंड वेट विल बी रिगार्डेड एज क्वांटिटी. P01 में लिख लो, बेस एलिमेंट विल बी रिगार्डेड एज प्राइस एंड वेट एज क्वांटिटी. ठीक है, देखिए आप, ये चार्ट पूरा चैप्टर को समराइज कर देता, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर इज दिस चार्ट, 80% ऑफ द चैप्टर इस चार्ट में खत्म हो जाता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर मैंने खाली प्राइस का दिखाया है. सिंपल एंड वेटेड दो टाइप का होता है, सिंपल मतलब विदाउट वेट और वेटेड मतलब विथ वेट. तो सिंपल का जो फॉर्मूला है ना, वेटेड में वही फॉर्मूला देख लीजिए, बस खाली एक W का अंतर है. सिंपल एग्रीगेटिव मतलब एग्रीगेटिव जहां लिखा है ना उसका मतलब लिख लो टोटल, एग्रीगेटिव मतलब टोटल, एग्रीगेटिव वाले में टोटल टोटल खेलेंगे, एग्रीगेटिव वाले में टोटल टोटल खेलेंगे. रिलेटिव वाले में देखो क्या है, देखो खुद ही समझ में आ जाएगा. ये PR बोल के कुछ नया पहले निकालना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव. प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, करेंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इन 200. प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, करेंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इन 200. प्राइस रिलेटिव का मतलब क्या होता है, करेंट ईयर प्राइस बाय बेस ईयर प्राइस इन 200. ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको. तो ध्यान से एकदम दिमाग में एक चित्र बैठा लो, पहले क्या था कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, उससे कितना एरो था, सिंपल और वेटेड. सिंपल से कितना था, एग्रीगेटिव और रिलेटिव, रिलेटिव का कितना था, एम जी एम. ठीक है, ये दो दो करके खेल रहा है, कितना करके खेल रहा है, दो दो करके खेल रहा है, पहले दो फिर दो फिर एक फिर दो. इसका शॉर्टकट लिख लो 2 2 1 2 2 2 1 2. ठीक है, 2 2 1 2 मतलब क्या, पहले दो फिर दो उसके नीचे एक फिर इसके नीचे दो. उधर उधर छापना है ना अपने को, दो राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड से देख के छाप देंगे. अगर एक साइड का फॉर्मूला याद रहा तो ऑटोमेटिकली इस साइड का फॉर्मूला याद हो जाएगा. पहले दो आया सिंपल वेटेड, फिर सिंपल से दो आ रहा है, दो दो एग्रीगेटिव रिलेटिव, एग्रीगेटिव का एक ही फॉर्मूला, यहां से फिर से दो ए एम जी एम. तो जी एम जहां लिखा है ना लिख लो ओनली फॉर थ्योरी पर्पस, ओनली फॉर थ्योरी पर्पस, ओनली फॉर थ्योरी पर्पस. जो बच्चे एक्चुएटर्स में पढ़ते हैं वो जीएम वाला सम भी कर सकते हैं, वो जीएम वाला सम भी कर पाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि कैलकुलेटर में लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं. बट
यूनिवर्सिटी को तो ये नहीं पता ना कि आपको पता है, तो अगर यूनिवर्सिटी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो वो आपको लॉग का वैल्यू हमेशा देगा साइड में, ये चीज ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटी कैन नॉट अज्यूम दैट स्टूडेंट्स नो दैट दे नो हाउ टू कैलकुलेट, दे नो हाउ टू कैलकुलेट लॉग का वैल्यू विदाउट लॉग टेबल और कैलकुलेटर। तो या तो लॉग टेबल दे देगा आपको, ठीक है, और या आपको लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। इसलिए मैं को मेरा जो अनुमान है, ज्योमेट्रिक मेथड कभी भी एग्जाम में प्रैक्टिकल वे से नहीं पूछेगा। किससे पूछ सकते हैं? थ्योरी। तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो देखिए एग्रीगेटिव का फॉर्मूला क्या था, समेशन पी वन बाई समेशन पी जीरो इंटू हंड्रेड। आपको हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना समेशन में, जो कोरिलेशन रिग्रेशन आप पहले पढ़े हैं वहां पर आपको समेशन में इतना स्ट्रांग बनाया है ना कि समेशन के बाद जो लिखा रहता है उसका टोटल। सपोज करो समेशन ए इंटू बी है, इसका मतलब समेशन ए इंटू समेशन बी कि ए इंटू बी का टोटल, ए इंटू बी का टोटल। तो यहां क्या है फॉर्मूला में, समेशन पी वन बाई समेशन पी जीरो इंटू हंड्रेड। तो भैया हम आपको यहां फॉर्मूला लिखाया है ना, इंग्लिश में लिखो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ करेंट ईयर्स प्राइस बाई टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस इंटू हंड्रेड। टोटल ऑफ करेंट ईयर प्राइस बाई टोटल ऑफ बेस ईयर प्राइस इंटू हंड्रेड। टोटल ऑफ करेंट ईयर प्राइस बाई टोटल ऑफ वेट ईयर प्राइस इंटू हंड्रेड, ठीक है ना? हाँ? पीआर का मतलब समझाई दिया आपको, ठीक है। तो यहां तक पहले हम लोग करें इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए आप अच्छे से, आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो देखिए, बुक तो सबके पास में है ही। क्लियर है? हाँ चलिए पहला सम लिखिए, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, तीन कॉलम बनेगा, एक आइटम का, एक बेस प्राइस का। तीन कॉलम बनेगा, एक आइटम का, एक बेस प्राइस का और एक करेंट प्राइस का। आइटम में लिखो ए बी सी डी, आइटम में लिखो ए बी सी डी, आइटम में लिखिएगा ए बी सी डी। बेस प्राइस में 36, 36, 30, 42 और 25, और करेंट प्राइस में 42, 35, 38, 33। 35 के बाद 38 और 33 है। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, किसका हेडिंग करेंगे, किसका टोटल करेंगे, बेस प्राइस का। यहां लिख लीजिए ब्रैकेट में पी जीरो और यहां ब्रैकेट में पी वन, कितना आ रहा टोटल इसका, कितना इसका आएगा 133, इसका आएगा 148। तो सैम, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला क्या है, समेशन पी वन बाई समेशन पी जीरो इंटू हंड्रेड। तो 148 बाई 133 इंटू हंड्रेड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, दो डेसिमल प्लेस आंसर निकालें, कितना 111.2।
111.28. क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कॉमोडिटी दिया रहेगा आपको, बेस प्राइस दिया रहेगा, करेंट प्राइस दिया रहेगा और वेट दिया रहेगा, ठीक है? कॉमोडिटी में दिया हुआ है ए बी सी डी ई, बेस प्राइस में दिया हुआ है 32, 25, 120, 35 और 90. क्या दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है, ठीक है? यहां पर दिया हुआ है 50, 25, 140, 40, 100 और वेट में दिया हुआ है 8, 6, 3, 5, 7. तो आप क्या करते हो, इसको क्या मानोगे? P0. इसको क्या मानोगे? P1. सबसे पहले आप P0W निकालो, P0W निकालो और P1W निकालो. इस दोनों का आप टोटल निकालो. P0 इंटू डब्ल्यू करो, P0 इंटू डब्ल्यू करो, P0 इंटू डब्ल्यू 32 इंटू 8 कितना होता है? 256. 25 इंटू 6 150. उसके बाद 360. 35 इंटू 5 175. 630. इसका टोटल मारेगा 1571. और P1W क्या हो जाएगा आपका? 400, 150, 220, 200, 700. टोटल मारेगा तो 1870 आएगा. 1870 आएगा. 1870 आएगा आपका, ठीक है ना? क्लियर है? 1870 आया. तो वैम का फॉर्मूला क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, समेशन P1W बाई समेशन P0W इंटू 100. तो 1870 बाई 1571 इंटू 100 कितना आ रहा है? 119.03. वैम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वैम वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, समेशन P1W बाई समेशन P0W इंटू 100. क्लियर है? बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको आइटम दिया रहेगा, एक यूनिट कॉलम दिया रहेगा. लिखिए, आइटम दिया हुआ है, यूनिट कॉलम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है. आइटम दिया रहेगा, यूनिट कॉलम दिया रहेगा, वेट दिया रहेगा, बेस प्राइस दिया रहेगा और करंट प्राइस दिया रहेगा, ठीक है? तो आइटम में लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी. यूनिट में ए का यूनिट है क्विंटल, ए का यूनिट में लिखो क्विंटल, बी में किलोग्राम, सी में डजन, डी में लीटर. ए का यूनिट में लिखना है क्विंटल, किलोग्राम, डजन और लीटर. डजन और लीटर, ठीक है? वेट में लिखो, वेट में लिखो 14, 20, 35, 15. वेट में लिखो 14, 20, 35 और 15. बेस पीरियड में लिखेगा
बेस प्राइस में 90 90 90 10 40 50 90 10 40 50 90 90 90 90 10 40 50 और करेंट पीरियड में लिखेगा 120 90 10 40 50 और करेंट पीरियड में लिखेगा 120 लिखा 120 के बाद 17 17 60 और 95 120 17 अब देखो हम लोग को इसको निकालना है वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला से निकालो वेटेड एग्रीगेटिव फॉर्मूला से निकालना है हम लोग को इसको वेटेड एग्रीगेटिव से निकालना है आंसर आएगा तुम्हारा P1W इज इक्वल्स टू 5545 और P0W कितना आएगा 3610 तो और P01 का आंसर कितना आया 153.60 क्लियर है तो यूनिट अलग अलग से फर्क नहीं पड़ता है
ठीक है, लिख लो, फॉर दिस मेथड यूनिट कॉलम इज इरेलीवेंट, 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 ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, फोर, पी जीरो बनाओ, पी जीरो बनाओ, पी जीरो बनाओ, पी वन बनाओ, पी जीरो में लिखो 10, 12, 14, 20, 10, 12, 14, 20, 10, 12, 14, 20, और पी वन में लिखो 15, 18, 15, 18, 20, 25, 15, 18, 20, 25, हेडिंग दो इसमें सिंपल रिलेटिव ब्रैकेट में ए एम, सिंपल रिलेटिव ब्रैकेट में ए एम, सिंपल रिलेटिव ब्रैकेट में ए एम। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिलेटिव निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, पी वन बाई पी जीरो इंटू 100, प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है पी वन बाई पी जीरो इंटू 100। तो 15/10 इंटू 100, 18/12 इंटू 100, कितना आया पहला वाला पी आर, 150, 150, 142 पॉइंट क्या, और लास्ट वाला का इसका 142.86 है, और लास्ट वाला का 125। इसका टोटल बताओ 567.86। लिखो सिंपल रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में ए एम, सिंपल रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में ए एम, सिंपल रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में ए एम। फॉर्मूला होता है समेशन पी आर बाई स्मॉल एन, समेशन पी आर बाई स्मॉल एन। अब यहां पर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, यहां पर स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। कितना आइटम है, चार आइटम है। तो 567.86 डिवाइडेड बाई 4, 141.97, ठीक है, क्लियर आपको यहां तक। चलिए अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, जैसा वेट आप यूज करते हैं उसका वैसा नाम लिया गया है। तो अगर आप वेट को बेस ईयर क्वांटिटी यूज करते हैं
अगर आप बेस में बेस ईयर का क्वांटिटी यूज करते हैं तो उसको हमने क्या बोला है, लास्ट ईयर्स। और अगर आप वेट को करेंट ईयर का क्वांटिटी यूज करें तो उसको क्या बोला जाएगा, पास्ट ईयर। फिर से बोलो, अगर वेट की जगह हम लोग बेस ईयर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, बेस ईयर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्यू जीरो। बेस ईयर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्यू जीरो। और करंट ईयर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, क्यू वन। तो अगर आप बेस ईयर क्वांटिटी यूज कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन पिको बाई पोको, पिको बाई पोको, पिको PIQO, मतलब करंट का प्राइस और बेस ईयर का क्वांटिटी बाई पोको, ठीक है। और यहां फॉर्मूला क्या है, पिकी पोकी। क्या फॉर्मूला है यहां पर, पिकी पोकी, ठीक है। तो इसको लिख लो फटाफट, शॉर्ट में लिख लो, बगल में पिको बाई पोको, पिको बाई पोको, और ये पिकी पोकी, और ये पिकी पोकी। यहां हम लोग क्यू जीरो यूज कर रहे हैं, यहां हम लोग क्यू वन यूज कर रहे हैं। दिस इज पिको बाई पोको, ये हो गया तुम्हारा पिकी बाई पोकी। तो लास्ट पेज का फॉर्मूला क्या है, पिको बाई पोको, और पास्ट का फॉर्मूला क्या है, पिकी बाई पोकी, ठीक है। अब दोनों को अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फिशर्स। अगर दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, फिशर्स, उसको क्या बोलते हैं, फिशर्स। और अगर दोनों का अरिथमेटिक मीन निकाला जा रहा है तो उसको बोलते हैं बाउलीज। अगर आप दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फिशर्स। अगर आप दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो आ जाएगा बाउलीज। तो अगर हम एक बात ये लिखें कि बाउली का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिशर्स, लिख सकते हैं बाउलीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिशर। याद करो जब कभी मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा वहां पर ये रिलेशन पढ़ा होगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एम। तो एल एन पी का ए एम क्या है, बाउली है, और एल एन पी का जी एम क्या है, फिशर्स है। तो ऑब्वियसली बाउली का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा फिशर से। उसी कॉन्सेप्ट से ये अलग कंडीशन बना लिया कि बाउली इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिशर्स ऑलवेज, बाउली इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिशर्स ऑलवेज। और ये इक्वल भी कब होगा पता है, जब एल और पी बराबर होगा, व्हेन एल इज इक्वल्स टू पी देन बाउली इज इक्वल्स टू फिशर्स, व्हेन एल इज इक्वल्स टू पी देन बाउली इज इक्वल्स टू फिशर्स, व्हेन एल इज इक्वल्स टू पी देन बाउली इज इक्वल्स टू फिशर्स। और जब एल और पी बराबर नहीं है तब क्या होगा, बाउली बड़ा होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस कॉन्सेप्ट से ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, ठीक है। सर मार्शल एजवर्थ क्या बोल रहा है कि बेस ईयर और करंट ईयर का जो क्वांटिटी है उसका सम को वेट यूज करो। मार्शल एजवर्थ क्या बोलता है कि बेस ईयर एंड करंट ईयर का जो क्वांटिटी है उसके सम को क्या यूज करो। तो ये फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, समेशन पी वन क्यू जीरो प्लस समेशन पी वन क्यू वन बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन पी जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड, इंटू हंड्रेड, इंटू हंड्रेड, समेशन पी वन क्यू जीरो प्लस समेशन पी वन क्यू वन बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेशन पी जीरो क्यू वन इंटू हंड्रेड। क्लियर है, देख लीजिए भैया, अभी कोई दिक्कत हो तो।
ठीक है, तो आप नया पांच फॉर्मूला क्या सीखे, लास्पियस, पास्चे, फिशर्स, बाउलीज, मार्शल एजवर्थ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम और इंडिविजुअली दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, या हो सकता है तीन तीन तीनों चीज एक बार में पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक मास्टर सम करें। देख तीन क्वेश्चन के, चार चार की है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 विल बी मास्टर सम, जो ये पांचों चीज को आपको एक बार में समझा देगा। क्वेश्चन नंबर 5 विल बी द मास्टर सम, ठीक है। छोटा सा फटाफट एग्जाम्पल कर लेते हैं, ए बी सी, पी जीरो, क्यू जीरो, पी वन और क्यू वन, ये आपको दिया रहेगा, ये आपको दिया रहेगा 8, 12, 10, 5, 4, 6, 12, 16, 12, 6, 6, 5, 8, ठीक है। अब आप मेरे को समझाओ, आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना था, लास्ट पीएस निकालना है। लास्ट पीएस निकालने के लिए क्या चाहिए, पी वन क्यू जीरो का टोटल और पी जीरो क्यू जीरो का टोटल। तो अब आप कॉलम बनाएंगे पी वन क्यू जीरो और पी जीरो क्यू जीरो, चलिए टोटल निकालिए पी वन क्यू जीरो का, पी वन क्यू जीरो का टोटल निकालिए, पी वन क्यू जीरो मतलब ये इसका बात कर रहा है 60, 64, 72, टोटल कितना आएगा 196, 196, 196, 196, ठीक है। चलिए पी जीरो क्यू जीरो निकालिए, वैसे ही 8 × 5 = 40, 48, 60, 148। तो लास्ट पीएस तो भैया मेरा आ गया कितना, समेशन पी वन क्यू जीरो बाई समेशन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, दैट इज 196 बाई 148 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ रहा है, हमेशा दो डेसिमल प्लेस से आंसर निकालेंगे कितना, 132 पॉइंट लिख लो, 132.43, 132.43, ये मेरा केस वन था, ये मेरा केस वन था, ये मेरा केस वन था। केस टू क्या निकालना है हम लोग को, पास्चे निकालना है ना, तो पी वन क्यू वन और पी जीरो क्यू वन, आप समझ रहे हैं मेरे समझाने का मतलब क्या है। कॉलम कौन कौन सा बनेगा, एल बोलेगा तो सिर्फ ये दो कॉलम बनेगा, पास्चे बोलेगा तो ये दो कॉलम बनेगा, पी वन क्यू वन मतलब 12 × 6, 16 × 5, 12 × 6, 16 × 5 और 12 × 8, और पी जीरो क्यू वन में 8 × 6, 8 × 6 = 48, 12 × 5 = 60 और 10 × 12 = 120, 10 × 12 = 120। चलिए टोटल बताइए फटाफट कितना आएगा, 248 और 188, ठीक है। कौन सा 80 होगा, ये तो पी का फॉर्मूला क्या है बोलो, समेशन हाँ इनटू पी वन क्यू वन कितना है 248 बाई 188 इनटू 100, 131.91,
131.91, ठीक है। अब मेरा बात सुनो, केस थ्री और केस फोर पूछेगा तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही करना, पहले चारों कॉलम बना लेना और फिर फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेना। एल निकाल लो, पी निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। केस थ्री में लिखो फिशर्स, केस थ्री में क्या लिखेगा, फिशर्स। समझ में आ गया कॉलम क्या क्या बनाना है आपको? पी वन क्यू जीरो का कॉलम कैसे बनता है, पी वन इंटू क्यू जीरो का टोटल, पी जीरो क्यू जीरो में पी जीरो इंटू क्यू जीरो का टोटल। तो केस थ्री में आप क्या लिखेंगे, फिशर्स इज इक्वल टू रूट ओवर एल इंटू पी, या फिर आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जो लिखा हुआ है मेरे बुक में, वैसे तो दोनों ही लिखा हुआ है बट ये एल इंटू पी वाला लॉजिक मेरे को अच्छा लगता है, इट इज क्वाइट सुटेबल, ठीक है। बस एल निकाला, एल इंटू पी इक्वल्स टू रूट, जो भी आंसर आया वो मेरा फिशर्स है, जो भी आंसर आया वो मेरा फिशर्स है, जो भी आंसर आया वो मेरा फिशर्स है ना। और एक बात बता देते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर को फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो कल को एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, आप बोलेंगे अरे हमारा टीचर तो हमको फिशर सिखाया है, आइडियल इंडेक्स नंबर तो हमको सिखाया ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो केस थ्री क्लियर है, एल इंटू पी इक्वल्स टू व्हाट, एल इंटू पी इक्वल्स टू व्हाट, फिशर्स निकल जाएगा, ठीक है, रूट करने से। केस फोर बाउलीज, केस फोर, केस फोर बाउलीज, केस फोर बाउलीज, केस फोर बाउलीज, एल प्लस पी बाई टू, एल प्लस पी बाई टू कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई टू, दो डेसिमल प्लेस, 132.17, 132.17, 132.17। बाउलीज तो भैया ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, फिशर्स में तो फिर भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, बट बाउलीज का बेस्ट तरीका यही होगा कि आप पहले क्या करना है, एलपी निकाल के उसको कर लो। केस फाइव मार्शल एजवर्थ, केस फाइव मार्शल एजवर्थ, पूरा फॉर्मूला का गेम है, समेशन पी वन क्यू वन प्लस समेशन पी वन क्यू जीरो बाई, ऊपर में देखो पी वन ही है और नीचे सिर्फ पी जीरो है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पी वन क्यू वन का फॉर्मूला क्या था, पता, वैल्यू क्या था, 248। तो 248 प्लस क्या, 196 बाई कितना, 188 प्लस 188 प्लस 140 इंटू 100 कितना, 148, 132.14, ठीक है। तो आप क्या क्या सीख लिए, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आपको आता है, हाँ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आपको आता है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आपको आता है, सिंपल रिलेटिव एएम आपको आता है, फिशर्स आता है, बाउलीज आता है, मार्शल एजवर्थ आता है आपको, प्राइस इंडेक्स नंबर का मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने खाली प्राइस इंडेक्स नंबर सिखाया और लास्ट पेस प्राइस इंडेक्स नंबर आता है आपको, और आता है सिर्फ एक मेथड मैंने शायद स्किप कर दिया, दिखाया नहीं, सिंपल वेटेड रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में एएम लिख लो, वेटेड रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में एएम, वेटेड रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में एएम, फटाफट एक पी जीरो का कॉलम बनाओ, एक पी वन का, एक वेट का, पी जीरो में 22, 16, 22,
और लास्ट वाला में लिखेंगे आप 8, और P1 में लिखिए 30, 18, 25, 12, और वेट में लिखेंगे 3, 2, 1, 4। ठीक है, चलिए फटाफट PR निकालिए। क्या फॉर्मूला है PR का? P1 बाई P0 इंटू 100। दो डेसिमल प्लेस तक निकलेगा PR, दो डेसिमल प्लेस तक निकलेगा PR। कितना कितना आ रहा PR? 136.36। कितना? 112.50। 125, 150। चलो फटाफट PR इंटू W, PR इंटू W, कितना होता है? कितना? 409.08। उसके बाद 225, 125 और 600। टोटल मारो इसका, और वेट का भी टोटल करेंगे आप लोग। वन थ्री फाइव नाइन पॉइंट जीरो एट, और इसका टोटल कितना आ रहा है? 10। इसका टोटल कितना आ रहा है? 10। तो लिखेगा वेटेड रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में AM, वेटेड रिलेटिव मेथड ब्रैकेट में AM इज इक्वल्स टू समेशन PR इंटू W बाई समेशन W इज इक्वल्स टू 1359.08 बाई 10, तो 135.91। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो वो जो पूरा चार्ट था मैंने उसमें आपको बोल ही दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन खाली फॉर्मूला के लिए पूछेगा, उस चार्ट का मैंने आपको हर एक सम करा दिया है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्राइस और क्वांटिटी नहीं दे करके वैल्यू दे देता है और प्राइस देता है। क्वेश्चन बनाओ, व्हाट टू डू इफ ओनली प्राइस एंड वैल्यू इज गिवेन, व्हाट टू डू इफ ओनली प्राइस एंड वैल्यू इज गिवेन, इफ ओनली प्राइस एंड वैल्यू इज गिवेन एंड वी नीड टू फाइंड आउट मेजर्स लाइक, वी नीड टू फाइंड आउट इंडेक्स नंबर लाइक लास्ट पियर्स एक्सेट्रा। तो सिंपल एक सोचो, वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर आप वैल्यू बाई प्राइस करोगे तो क्वांटिटी निकल जाएगा, और क्वांटिटी निकलते तो काम बराबर। लिखो, जस्ट कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल आइटम बाय द फॉर्मूला वैल्यू बाय प्राइस इक्वल्स टू क्वांटिटी। जस्ट फाइंड क्वांटिटी
of the individual item, just find quantity of the individual item by the formula value by price equals to quantity, and then follow the same process, and then follow the same process, and then follow the same process. ठीक है ना?